श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के आठवें अवतार माने जाते हैं। यह श्री विष्णु का 16 कलाओं से पूर्ण भव्यतम अवतार है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन देश के सभी मंदिरों में श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष में सुंदर झांकियां निकाली जाती है। भगवान कृष्ण का 7 श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। इस दिन सभी स्त्रियां पुरुष तथा बच्चे व्रत रखते हैं। ठीक आधी रात के 12 बजे शंख तथा घंटों से कृष्ण भगवान के जन्म को मनाया जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है। भगवान की आरती उतारी जाती है और बाद में प्रसाद बांटा जाता है। इसी प्रसाद को खाकर लोग अपना व्रत खोलते हैं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्म आदि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। मम खिल पाप प्रसन्न मन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धिये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करियष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए स्तुतिका ग्रह नियत करें। तब पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हो ऐसे भाव हो। इसके बाद चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से वेषित कर विधि विधान पूर्वक अर्चन करें। गुरुचि, छोटी पीतल और सोंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। हरि की सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोप पुत्रों का पूजन करें। फिर निमन मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। परने देव जननी त्वया जासतु वामन वसुदेवता तथा कृष्णो नमस्तु भयम नमो नमः सुपुत्राध्या प्रदम में ग्रहण में नमः नमोस्तुते। तब चंद्रोदय या अर्धरात्रि के थोड़ी देर उपरांत के समय किसी वैदिका पर अर्घ देना चाहिए। यह अर्घ रोहिणी युक्त चंद्र को भी दिया जाता है। अर्घ में शंख से जल अर्पण होता है जिसमें पुष्प, कुश, चंदन, लेप डाले हुए होते हैं। इसके उपरांत व्रती को चंद्र का नमन करना चाहिए और दंडवत झुक जाना चाहिए। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए व्रत जगा करें।
इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाए। इसके पश्चात मत्स्य कुरम इस मंत्र द्वारा अर्चन आदि करें। आचार्य ब्रह्मा तथा 8 सतयुजों को वैदिक रीति से वरण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन प्रसन्न देकर प्रसन्न करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। सकत पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने गद्दी से राज्य हड़प लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वसुदेव जी से हुई तो कंस खुद रथ हांकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हांका, एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसी ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते हुए देख यदुवंशु क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और वसुदेव वह देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। समय आने पर कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही वहां अचानक प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूं। तुझे मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ाओ और उनके यहां जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। यह आदेश सुनकर वसुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। रास्ते में हो रही चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे कि जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए, उनके हाथों में पड़ी वेड़िया खुल गई, उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वसुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात शिशु कन्या को छीन कर पृथ्वी पर पटक दे मारा। परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है, वह जल्दी तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हुआ। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण युवावस्था में पहुंचे, तब उन्होंने कंस का वध किया।
श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कीजे। आरती कुंज बिहारी की कीजे। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली भ्रमसी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। समरंते होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अग कीच छरण छवि बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनु। चहूं दिसी गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदमंग चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरु सुनि दीन भिखारी की श्री कृष्ण गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।